Good evening, everybody. So we are now here for a last moment or last minute tips for your final UPSC prelim preparation, right? दो दिन रह गए हैं बस अभी, ठीक है ना. हम दो बातें डिस्कस करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं, बट यू हैव टू फोकस एंड लिसन वेरी केयरफुली. ये दो दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड दीज टू डेज, उसके छोटे से टिप्स हैं, राइट. और दूसरा, जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, राइट. ये दो बातें यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड इफ यू थिंक एनी ऑफ दिस यूजफुल प्लीज अडॉप्ट इट, राइट. और आपको क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं, आई विल आंसर इट लेटर ऑन, राइट. तो पहले सीधी बात करते हैं. पहले तो ये दो दिन रह गए हैं आपको, राइट. इसके अंदर आपकी बस चार बातें आपने करनी है, राइट. चार बातें करनी है. फर्स्ट थिंग इज, आपको यू हैव टू ईट हेल्दी. बिल्कुल कोई उल्टा पुल्टा ज़्यादा ऑयली फूड, परौंठे, पूरियां, ये नहीं खाना है. रीट वेरी हेल्दी, कीप योर होल बॉडी डिटॉक्सिफाइड. उससे हल्का रहोगे, माइंड फ्रेश रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नंबर टू, यू हैव टू स्लीप एडिक्वेटली. एटलीस्ट 6 hours ऑफ स्लीप मस्ट बी देयर. 6 घंटे की स्लीप आपको चाहिए. 6 घंटे से कम बिल्कुल मत सोना. मुश्किल से नींद आती है, जिन्होंने सीरियसली तैयारी करी है मुश्किल से नींद आती है. मुझे पता है, हमने भी तैयारी करी है तो रात को नींद ही नहीं आती. लेकिन ट्राई टू स्लीप फॉर 6 hours, ठीक टाइम पे सो, उठो और करो, राइट. और थर्ड इज, यू हैव टू रिवाइज. आपको रिवाइज करनी है अपनी चीज़ें, जो आपने लिस्ट बना रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी रिविजन की जरूरत है. कीप ऑन रिवाइजिंग. ये बड़ी कॉमन सी बात है, हर कोई यही करेगा, राइट. बट डोंट रीड न्यू थिंग्स. न्यू थिंग्स बिग नो. न्यू थिंग्स आर बिग नो. बिल्कुल आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी है. कोई आपको कहे ये लिस्ट पढ़ ले, वो लिस्ट पढ़ ले, बिल्कुल नहीं पढ़नी है, राइट. चौथी एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मिस करते हैं, ये तीनों तो हर कोई करेगा, राइट. हर कोई करेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि कुछ खाने को टेम्पटेशन हो मत खाइए. दो दिन के लिए कोई खास फ्रूट खाइए, लाइट खाना खाइए, सब्जी रोटी, सिंपल, नॉट वेरी ऑयली फूड. इट अफेक्ट्स द ब्रेन, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रेस में हो, राइट. आप अपनी बॉडी को और स्ट्रेस नहीं दे सकते. द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कंटेम्पलेट. यू हैव टू कंटेम्पलेट. यू हैव टू कंटेम्पलेट अबाउट वट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू विल फॉलो. क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे जब आप प्रीलिम एग्जाम दोगे. वो जो 2 और 2-4 घंटे हैं वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं, राइट. चाहे वो सीसेट का पेपर है, चाहे वो जनरल स्टडीज का पेपर है, आपको अपनी स्ट्रेटजी कंटेम्पलेट कर लेनी है कि हाँ मैं पेपर में जाके क्या करूंगा या करूंगी, राइट. आप वहां जाके कोई एम्बिग्युटी या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मैं क्या करूं. पहले से सब कुछ आपके जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं वो डिसाइडेड है. देयर इज नो डिस्कशन ओवर दैट. वट एवर यू स्ट्रेटजी यू विल फॉर्म, आपका पहले से क्लियर है, राइट. आपको पता है मेरे फैक्टर्स क्या हैं और मैंने पहले डिसाइड कर रखा है. वहां जाके कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो ये चार बातें आपने दो दिन में करनी है. कंटेम्पलेट जो है, ये एटलीस्ट चलते फिरते, सोते जागते थोड़ा सा सोचते रहना कि अच्छा पेपर आएगा. जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चन है, सीसेट में 80 क्वेश्चन है, 100 मैंने कैसे. हम आगे डिस्कस करते हैं क्या फैक्टर्स हैं जिसके आपने डिसीजन लेके चलने, ठीक है. अब कंटेम्पलेशन का सेकंड पार्ट ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है. गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू योर ब्रेन दैट आई विल क्रैक दिस एग्जाम. क्योंकि अभी नेगेटिविटी बहुत आती है कि यार मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा. तो पॉजिटिव, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बोला, डोंट टॉक टू पीपल, टॉक टू योर सेल्फ. बी पॉजिटिव कि हाँ यार मैंने क्लियर करना है, राइट. और आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस मैं बता ही चुका हूं कि जिन बच्चों के टेस्ट में एवरेज नंबर आते थे एंड आई हैव सीन देम क्लियरिंग द प्री, और जो टॉपर्स थे वो क्लियर नहीं कर पाए. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ टेस्टों में मेरे कम नंबर आए तो मेरा नहीं होगा या ज्यादा नंबर आए तो मेरा हो ही जाएगा. दोनों ही पक्ष में आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल क्लियर दिस प्री. बस ज्यादा सोचना नहीं है, राइट. अब नेक्स्ट आप आ जाओ. नेक्स्ट आप देखिए कि आप जब पेपर आप दे रहे हैं, पेपर वाले दिन की स्ट्रेटजी क्या है. व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ द एग्जाम ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम, राइट. अब देखिए, सबसे पहले तो है कि आपको कोविड इंस्ट्रक्शन ध्यान से देख लेनी है ना. कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है. आपको मास्क लगा के जाना है. एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में आपको अपना सैनिटाइजर ले जाना है तो बेहतर है. छोटी डब्बी ले लें, अपने जेब में रखें, कोई हर्ज नहीं है. थर्ड, वॉलंटरली सोशल डिस्टेंसिस लोगों से मेंटेन रखें,
बिल्कुल मेंटेन रखना है सोशल डिस्टेंस, अपने में रहना है आपने, ये नहीं है कि चार लोगों का ग्रुप है आप जा रहे हैं, नो, ठीक है ना। और चौथी चीज है घबराना नहीं है, डोंट टेक इट टू योर हेड कि मेरे को कोविड हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई एकदम सिम्टम नहीं आने लगे, डोंट वरी, गिव अ क्लियर कट मैसेज टू योर ब्रेन कि भैया अगर हो गया तो भी कोई चक्कर नहीं, हैंडल कर लेंगे यार, वैसे होगा नहीं लेकिन अगर हो गया तो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, देन वॉट, कौन सी बुखारी है तो कौन सा पार्ट टूट गया, पेपर में तो कुछ नहीं होता, बाद में देख लेंगे कल, तो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, पॉजिटिविटी रखोगे बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहेगी एंड डेफिनेटली कुछ नहीं होगा आपको, कोई मन में आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये तो कोविड की बात है, कोई इतनी खास बात नहीं है, आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं फिर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो टाइम, ये हमको आपके पास एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि कहां कहां बच्चे गलती कर जाते हैं। सबसे पहला टाइम फैक्टर, आपको टाइम का ट्रैक करना है, घड़ी आप ले जा नहीं सकते, वहां घड़ी लगी है, घड़ी का ट्रैक रखना है कि भाई 30 मिनट्स के बाद आपका टाइम चेक जरूर होना चाहिए, टाइम चेक 30 मिनट्स, ये अपने मैसेज को आप दो दिन में ब्रेन देने, जो कंटेम्पलेशन पार्ट है कि 30 मिनट्स के बाद एक टाइम चेक होना चाहिए मेरा कि 30 मिनट में कितने कर लिए, अगले 30 मिनट में कितने कर लिए, 30 मिनट में रेट ठीक चल रहा है, राइट, रेट ठीक चल रहा है, 100 क्वेश्चन मुझे करने हैं और 30-30 मिनट के बाद टाइम चेक चाहिए। ये ना हो कि आप टाइम ही ना देखें, पता लगे एक घंटा हो गया क्वेश्चन 30 हुए हैं अभी और फिर पैनिक आ गया एकदम, हाथ पैर फूल गए, ये बहुत होता है कई बार, तो टाइम चेक इज मस्ट, ठीक है जी, टाइम चेक इज मस्ट, तो फर्स्ट फैक्टर इज टाइम चेक, ओके। सेकंड थिंग इज जब आप पन्ने पलटो, पेपर के ध्यान से पलटने हैं, स्ट्रेस इतना ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप होता है कि पन्ना पलटा दो पन्ने चले गए एक पन्ना छूट ही गया, उस वक्त नहीं दिमाग में रहता, जब पेपर के बाद में आओ अरे ये तो मेरे 7 क्वेश्चन रह गए प्री खत्म, अपना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ट्रैक रखना है, पन्ने कई बार चुपके होते हैं वहां पे क्योंकि फ्रेश कॉपीज होती हैं, आपको अच्छे से पन्ने को पलटना है। मतलब लास्ट 20 साल के मेरे करियर में इन सिविल सर्विसेज आप ये लगा के चलो कि 20 स्टूडेंट तो मेरे को ऐसे मिले होंगे डेफिनेटली जिन्होंने ये गलती करी और जिनका प्री इस वजह से रह गया कि यार एक पन्ना रह गया, अटेम्प्ट ही नहीं किया पेपर, ठीक है ना। तो ये काम नहीं करना, तो केयरफुली टर्न पेजेस। अब हो सकता है आपको ये बात नहीं दिमाग में आई हो लेकिन चलो ये फायदा हो जाएगा कि अगर ये है कि मुझे केयरफुली टर्न करने हैं पेजेस, ठीक है। अब नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप क्वेश्चन पेपर लो तो नो नीड टू स्कैन द होल पेपर। ये अगेन बहुत बड़ी गलती है कि अगर बच्चे कर लेते हैं कि बैठ के पहले एक मिनट में स्कैन कर लेते हैं पेपर, अरे भाई क्वेश्चन जब ब्रेन देखता है तो कहीं ना कहीं ऐसे जरूर क्वेश्चन होते हैं जो नहीं आते, और हमारा भी अजीब साइकी है कि वही क्वेश्चन देखते हैं जो नहीं आते, और पता लगे कॉन्फिडेंस लूज करके बैठ गया, अरे यार मर गए हम तो, कोई चक्कर नहीं है, आप पेपर में बैठे हो, यू हैव टू टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम, पेपर खोलो फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ो करना शुरू करो, बस उसको पढ़ो ध्यान से करते जाओ, चाहे पहले 5 क्वेश्चन आते हो आपको घबराना नहीं है, ऐसा होता है कई बार, इट हैपन्स, मुझे याद है मेरे साथ हुआ जब मैं पेपर दे रहा था, अरे पहले 5-7 क्वेश्चन आते ही नहीं थे, हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे क्या हो गया 5 नहीं आते, डजंट मैटर, कोई सेक्शन अगर मुश्किल आ गया हमें तो पूरे 100 क्वेश्चन देखने हैं भाई, कौन से 100 के 100 आते होंगे, 100 में से 25 तो पता ही नहीं होंगे कहां से आ रहे हैं, तो वो जो 5 आए वो शुरू में आ गए हमारे को, कोई बात नहीं, तैयारी तो आपने करी है तो डोंट वरी, डोंट, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि यार पहले 5 मुश्किल आ गए, और बहुत खुश नहीं होना कि अगर पहले 5 आसान आ गए, ठीक है, बैलेंस रखना अपने माइंड को, ये बहुत ध्यान से बात समझो कि घबराना बिल्कुल नहीं है अगर पहले 2-3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आते, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स टोटली लूजिंग कॉन्फिडेंस वंस दे एनकाउंटर सच क्वेश्चंस व्हिच दे डोंट नो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन देखने हैं, जो मुश्किल आपके लिए है बाकी के लिए भी है, देन व्हाट, तो घबराना नहीं है, ओके। अब जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, एक बेसिक तरीका है, इसके अंदर क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगर आपको 100% क्वेश्चन श्योर है, अगर 100% क्वेश्चन श्योर है आपको तो रीड अगेन, एक बार ध्यान रखना रीड अगेन, अगर आपको क्वेश्चन 100% आता है तो अगेन एक बार जरूर पढ़ना है कि कोई फोर्स एरर तो नहीं है, नॉट नहीं पढ़ा, एंड नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट करेक्ट में एरर हो जाती है, बहुत सारे ऐसे डिसेप्टिव वर्ड्स है जो यूपीएससी डालती है जिससे क्वेश्चन गलत पढ़ा जाता है, और गलत पढ़ के भी चॉइस आपके सामने होती है कि हाँ यही लगा दो, वो जो मैंने पहले लेक्चर में बात की थी कि 4-5 क्वेश्चन जो आपके आसान गलत होते हैं उसको हमें ठीक करना है किसी तरह,
इससे आपके दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तो पकड़े जाएंगे जो आपको खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको आता है ध्यान से आंसर की में अपना सर्कल करो, आगे चलो, राइट। देन सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको 50% आता है, कि आपको डाउट है, आपको डाउट है। अगर आपको क्वेश्चन डाउट है तो उसको लगा नहीं सकते अभी आप, आपको उसको सर्कल कर देना है क्वेश्चन को, कि ये मैंने रिविजिट करना है बाद में, राइट। और थर्ड है कि नहीं आता बिल्कुल ही 0%, उसको आपने पूरे क्वेश्चन को ऐसे काटा कर देना कि बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं है क्वेश्चन का, कि सिर्फ पता नहीं है क्वेश्चन का, उसको पूरे क्वेश्चन को ऐसे काट कर देना ताकि उस पर टाइम ना वेस्ट करें हम, राइट। तो आपने पूरा पेपर वंस एक बार इस तरह से गो थ्रू करना है, राइट। और आपको उसके बाद जब एक बार आप सारा गो थ्रू कर लोगे, ये आपका करीब 80-90 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है, 80-90 मिनट में काम हो जाएगा। फिर भी आपके पास ये 25-30 मिनट बाकी होंगे ये काम करने के लिए, अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे, राइट। अब आपके पास जो 30 मिनट बचे हैं, इसमें आपने ये 50% वाले देखने हैं कि इसमें से मैंने कितने लगाने हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये जो 100 और 50 की जो बाउंड्री है ना, बड़ी डिफ्यूज सी है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही 100% होता, लेकिन आपको पता होता कि यही आंसर है, ठीक है, वो 100% में लग गया आपका। लेकिन जहां पे आपकी दो चॉइसेस एलिमिनेट हो गई और दो में आपने चूज करना है, तो वहां डाउट आ गया। तो जल्दबाजी नहीं करनी है कि सारे लगा लगा के आगे भागते रहो, है ना, कोई भागना नहीं है हमने, हमने टाइम को ट्रैक करना है, पेजेस को टर्नफुली केयरफुली टर्न करना है और अपने वन बाय वन क्वेश्चन को लगते जाना है। अब कई बार यहां पे एक बच्चे गलती करते हैं कि सारे लगा लो पहले और एंड में हम आंसर की में गोले काले करेंगे। दिस शुड नॉट बी डन, आई डोंट रिकमेंड इट, बिकॉज आई हैव सीन अ नंबर ऑफ टाइम्स कि यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं और उनके सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाती है, एंड द होल थिंग इज सारा ही पेपर ही खराब हो जाता है, ठीक है ना। अब तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है वाइल अटेम्प्टिंग पेपर। और लास्ट बात ये है कि जस्ट बी योर सेल्फ इन द एग्जाम, बी योर सेल्फ, डोंट लुक एट अदर्स, है ना, डोंट आपको दूसरों को देख के उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, अपने देख रहे हैं, अपने पे रहो, अपना काम करो, ठीक है ना। स्पेयर पेन लेके जाओ, अपना कूली वहां पेपर आपको करना है, राइट। तो ये छोटी सी बातें थी जो आपको लास्ट मोमेंट आपको शेयर करनी है। बट अगेन मैं मैसेज देता हूं आपको कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, अपने पे विश्वास करना है आपको, राइट, एंड अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और कोई डाउट अपने माइंड में रखना नहीं लास्ट दो दिन के लिए। यू आर गोइंग टू क्रैक इट एंड यू विल क्रैक इट, ठीक है ना। आपको पता होगा कि यस आई एम अटेम्प्टिंग द पेपर एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट, राइट। विद दिस फ्यू वर्ड्स आई एंड दिस लेक्चर एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर पेरेंट्स, बिलीव इन योर टीचर्स एंड क्रैक इट, गो फॉर इट, कोई बात नहीं, अपना बेस्ट देंगे, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।